Now, in the third video of chapter number 7, class 4, decimals, we will study about what are equivalent decimals. हमें पता होना चाहिए कि equivalent decimals क्या होते हैं. वो decimals जिनकी same value होती है, वो कौन से decimals होते हैं. तो equivalent decimals हम कैसे लिख सकते हैं? एक concept होता है कि अगर आप किसी भी decimal number के end में 0 को लिख दें, या जीरो को हटा दे, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. जैसे कि यहाँ पे 0.3 है, इसके एंड में मैंने एक जीरो ऐड कर दी, तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी. दो जीरोस ऐड कर दी तो भी उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी. क्यों? देखिए, अगर हम तो 3/10 है, 3 1 डेसिमल प्लेस है तो 10. अब ये क्या बनेगा आपका? 30/100, 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 जीरोस. अब आपका 1010 से कैंसिल हो गया तो बन गया 3/10. अब ये है आपका 300/1000, 3 डेसिमल प्लेस थे तो 1000. 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका 3/10. तो कितने आ गए आपके? 3/10, 3/10 एंड 3/10. तो तीनों की वैल्यू आपकी अगर हम देखें फ्रैक्शनल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3/10 ही आ रही है. इट मीन्स जो 0.3, 0.30 एंड 0.300 तीनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये तीन ऐसी फ्रैक्शन है जिनकी वैल्यू हमारी सेम है. नाउ नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स. लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम हो. मींस अगर तीन नंबर आपको दे रखे हैं 0.8, 0.5, 8.3, तीनों में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1. डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं तीनों में? 1. तो ये तीनों क्या हो गई आपकी? लाइक डेसिमल्स. जैसे इसमें देखें तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो ये तीनों भी आपके कितने क्या हो गए? 2 डेसिमल प्लेस. नाउ अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हो. 0.8 अगर आप देखें तो इसमें 1 डेसिमल है, 1.53 में 2 डेसिमल प्लेसेस है, 3.751 में 3 डेसिमल है, तो तीनों में अलग अलग हैं, तो ये तीनों क्या हैं आपकी? अनलाइक डेसिमल्स. नाउ नेक्स्ट इज कि हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्वल लिख सकते हैं. जैसे आप देखें एग्जांपल्स के थ्रू, ये आपका 7.5 है, ये आपका 3.28 है और ये आपका 8.001 है. तो इसमें आपका 1 डेसिमल है, इसमें आपके 2 डेसिमल हैं और इसमें आपके 3. तो सबसे ज़्यादा डेसिमल किस में? आपका 3 आपका मैक्सिमम है, तो तीनों को मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस के इक्वल करना है. तीनों में कितने डेसिमल लगाने हैं मुझे? 3 डेसिमल प्लेसेस. तो अगर मैं इसके पीछे 2 जीरो लगा दूं, एंड में जीरो लगाने से मीनिंग तो चेंज नहीं होता, वैल्यू तो चेंज नहीं होती, तो ये सेम ही होगा, लेकिन इसके अब डेसिमल्स कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि इसमें हमें 1 डेसिमल था और यहाँ पे 3 है, तो 2 जीरोस लगानी पड़ी. इसमें आपके 2 डेसिमल प्लेस हैं लेकिन मुझे 3 बनाने हैं, तो एक डेसिमल प्लेस और चाहिए, तो 3.280 मैं एक जीरो ऐड करूंगी क्योंकि एक जीरो की कमी थी. अब इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस, तीनों में 3 डेसिमल प्लेस हो गई. तो अब ये तीनों क्या हो गए आपके? लाइक डेसिमल. तो पहले जो अनलाइक डेसिमल्स थे उसको उनको उनके इक्विवेलेंट में चेंज कर हमने उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया. नाउ लुक एट एक्सरसाइज 7.3. फर्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स लिखना है. दो मेथड हैं, आप ये सेकंड मेथड समझें. हम इसमें क्या कर रहे हैं? 4006 पॉइंट हटा के इसको फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं. 4006, 1 के साथ कितनी जीरोस लगाऊंगी? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 3 जीरोस. इसमें अगर मैं करूं तो 4600 पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं तो 3 जीरोस. अब हम ये डिनोमिनेटर हटा देंगे, सिर्फ होल नंबर लिख देंगे. अब होल नंबर अगर आप देखें तो 406 आपका 4006 आपका 4600 के इक्वल नहीं है. इन्होंने बोला हुआ है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया. सिमिलरली अगर सेकंड पार्ट देखें तो अगर आपने इसको चेंज किया, 500 2/100 होगा और ये 5840/1000. 100 इसलिए डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस थे, 1000 इसलिए बिकॉज डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस थे. ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये बन गया 500 2/100 और ये बन गया आपका 584/100. दोनों में सेम डिनोमिनेटर हो गया. अब अगर मैं न्यूमरेटर
कंपेयर करूं तो 502 आपका 584 के इक्वल नहीं होता, लेकिन इन्होंने इक्वल बोला हुआ है तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है 6.100 और 6.1, तो इसको आप लिखेंगे 6100 अपॉन में 1000 और इसको आप लिखेंगे 61 अपॉन में 10। 20 से 20 कैंसिल, ये बन गया आपका 61 अपॉन में 10 और ये भी क्या आपका 61 अपॉन में 10, दोनों तरफ सेम आ गया। इट मीन्स ये दोनों आपके इक्वल है और इन्होंने भी इक्वल बोले हुए हैं तो ये हो गया ट्रू। अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें एंड में जीरोज ऐड करी गई है, एंड में जीरो ऐड करने से वैल्यू अगर आप देखो तो चेंज नहीं हुई। इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए आपके इक्वल, दैट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट डेसिमल्स। 0.6 है, इसके आगे एक और जीरो ऐड करी तो वो इक्वल ही रहेगा। थर्ड में मैंने क्या लिख दिया, 2 जीरोज ऐड कर दी तो 0.600। इसमें 32.4, इसमें 32.40 एक ऐड कर दी एंड में, फिर 32.400 दो जीरोज ऐड कर दी, लेकिन वैल्यू तीनों में सेम ही रहेगी। इसमें 64.500, इसमें 0.8, 0.80, 0.800, 81.5, 81.50, 81.500, 109.2, 109.20, 109.200। क्या कर रही हूँ, एंड में जीरोज ऐड कर रही हूँ और एंड में जीरोज ऐड करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये सब क्या है आपस में इक्विवेलेंट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी कन्वर्ट अनलाइक टू लाइक डेसिमल्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आपको इसमें फिफ्थ पार्ट दे रखा है 5.46, 9 और 99.009, ये तीनों आपको अनलाइक दे रखे हैं। इसमें देखें अगर आपका 2 डेसिमल्स है, इसमें आपका एक भी डेसिमल नहीं है, 0 डेसिमल्स हैं और इसमें आपका 3 डेसिमल्स हैं, तो ये आपका मैक्सिमम है तो आपको तीनों को 3 डेसिमल्स में करना है। तो दो तो हैं ऑलरेडी, थर्ड में करने के लिए मैंने एक जीरो लगा दी, इसमें एक भी नहीं है तो डेसिमल के बाद मैंने 3 जीरोज लगा दी और इसमें 3 है तो ये आपका एज इट इज़ रह गया। अब तीनों में अगर आप देखें तो 3 डेसिमल्स हो गए तो आपका क्या बन गया, ये लाइक डेसिमल्स। सिमिलरली अगर आप एक और पार्ट देखें, इसमें 2 डेसिमल्स, इसमें 1 और इसमें 3, तो तीनों में 3 बनाना है तो इसके एंड में एक जीरो ऐड किया है, इसके एंड में 2 बिकॉज 2 डेसिमल्स कम थे और ये पूरा 3 ही है तो ये एज इट इज़ रह गया। तो अब ये तीनों क्या बन गए आपके अनलाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स से क्या कन्वर्ट हो गए आपके लाइक डेसिमल्स। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स, हम कंपेयर कैसे करते हैं डेसिमल्स को या ऑर्डर कैसे करते हैं। तो अगर आप पहले कंपेयरिंग सीखें तो पहले आप लाइक डेसिमल्स का देखेंगे, इसको आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। 12.36 को क्या लिखेंगे हम, 1236, डेसिमल हटा देंगे, नीचे 1 के साथ 2 जीरोस बिकॉज 2 डेसिमल प्लेसेस थे। सिमिलरली इसको 1238, डेसिमल हटा के 1 के साथ 2 जीरोस बिकॉज 2 डेसिमल प्लेसेस थे। दोनों लाइक थे इसलिए दोनों का डिनोमिनेटर अपने आप सेम आ गया। अब इनको राइट एज होल नंबर, अब इनका होल नंबर लिखेंगे, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर लिख देंगे। अब हमें पता है 1236 आपका 1238 से छोटा है, इट मीन्स आपका 1236 क्या था ओरिजिनल, 12.36 आपका 12.38 से छोटा है। अगर हमें अनलाइक डेसिमल कन्वर्ट करने हो, स्टेप वही है, बस एक स्टेप ऐड होता है कि पहले आप अनलाइक को लाइक में चेंज कर दो। इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1, तो आपने पहले दोनों को लाइक में चेंज कर दिया, इसके साथ एंड में जीरो लगा दी, ये बन गया 5.70, ये बन गया 5.36, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब इनको फ्रैक्शन में 570/100, 2 डेसिमल प्लेस थे, 536/100 बिकॉज 2 डेसिमल प्लेस थे। अब सिर्फ एज अ होल नंबर लिख लिया 570 और 536। अब हम मुझे पता है 570 मेरा 536 से बड़ा है, तो 570 क्या था मेरा 5.7, आपका 5.36 से क्या होगा बड़ा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.4, ये आपको 0.3 दे रखा है। इसको 0.3 क्यों दिया है, क्योंकि ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है और 3 शेडेड है, तो आपके कितने टेंथ्स हैं, 3, और ये 0.7 है क्योंकि ये आपका 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 7 शेडेड है, तो 10 पार्ट्स में है तो टेंथ प्लेस पे क्या आ गया 0.7। अब आपको बताना है कि 0.3 बड़ा है या 0.7, तो आपको पता है कि 3 आपका 7 से छोटा होता है, इस मीन 0.3 आपका 0.7 से छोटा है। सिमिलरली इसमें अगर आप देखें तो 2 तो ये पूरे पूरे हैं, तो टेंथ प्लेस के लिए 2 और ये आपके कितने शेडेड है 5,
क्योंकि ये 100 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 100 प्लेस के लिए 5। सिमिलरली 1 पूरा शेड है तो 10th प्लेस के लिए 1, और 8 आपके सिंगल सिंगल पार्ट तो 100 प्लेस के लिए 8। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो 0.25 0.18। आगे वाले डिजिट तो दोनों में ही 0 है। नेक्स्ट देखें तो इसकी 2 है और इसकी 1। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 25, और अगर आपने इसका पॉइंट हटा दिया तो ये बन गया आपका 18। तो 25 क्या है आपका, 18 से बड़ा, तो आप इट मीन्स ये आपका इससे बड़ा है। सिर्फ डायरेक्ट डेसिमल हटाया बिकॉज ये दोनों लाइक डेसिमल थे। सेम इसमें भी डायरेक्ट डेसिमल हटाया था बिकॉज ये दोनों लाइक थे। अनलाइक होते तो पहले मैं इनको कन्वर्ट करती लाइक में। जैसे ये 0.32 है, 0.36 है, दोनों में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, दोनों लाइक हैं। आप डेसिमल हटा देंगे अगर दोनों का, तो ये बन जाएगा 32, ये बन जाएगा 36। तो 32 आपका 36 से लेस है। अब ये दोनों में एक, इसमें एक डेसिमल प्लेस था आपका और इसमें 2। पहले मैं इनको कन्वर्ट करूँगी दोनों को 2 डेसिमल प्लेस में। ये सिर्फ 0.4 था तो मैंने इसके आगे 0 लगा दिया अपने आप। अब इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस हो गए, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस, क्योंकि एंड में 0 लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होती। अब अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो ये बन गया 40 और ये बन गया 45। तो 40 हमारा 45 से क्या होता है, छोटा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू साइन। सबसे पहले मैं इनको लाइक में चेंज करूंगी। 0.76 आपका 2 डेसिमल प्लेस है, ये 1, तो ये तो आपका एज इट इज रह गया। इसको आपने चेंज करा तो ये क्या बन गया, 0.80। अब आप या तो ये वाला स्टेप नहीं भी लिखना चाहते तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट डेसिमल हटाएंगे तो ये 76 बनेगा। नहीं तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं पहले फ्रैक्शन में, 76/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, 80/100 बिकॉज डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस। तो ये बन गया 76/100 और ये बन गया आपका 80/100। अब एज अ होल नंबर मैं लिखूँ तो ये 76 है और ये 80, तो 76 आपका 80 से छोटा है, इट मीन्स 0.76 इज लेस देन 0.8। नाउ सिक्स्थ पार्ट अगर मैं देखूं, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2, तो तीनों दोनों को पहले मैं अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करूंगी। ये तो 3 है, इसको 3 में करने के लिए पीछे 0 लगा दिया, फ्रैक्शन में चेंज किया तो 5091/1000, इसमें 5090/1000। अब मुझे पता है 5091 आपका 5090 से बड़ा है, इट मीन्स 5.091 इज ग्रेटर देन 5.09। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, 4.32 या 4.3। तो पहले दोनों आप देखें अनलाइक डेसिमल है, तो लाइक में कन्वर्ट किया, ये 4.32 रह गया, इसके पीछे 0 लगा दी तो ये बन गया 4.30। अब ये 4.32 पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, 432/100 और ये 430/100। 432 आपका 430 से बड़ा है, इट मीन्स आपका 4.32 क्या है, ग्रेटर। नाउ सिक्स पार्ट अगर आप देखें, 7.5 और 7.50, इसमें मैंने 2 डेसिमल प्लेस करने के लिए 0 लगा दी, ये भी बन गया आपका 7.50, ये भी बन गया आपका 7.50, तो दोनों इक्वल हैं, तो बोथ आर इक्विवेलेंट। नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 7.4। वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।